अभी हमारा क्वेश्चन है मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर, तो मेरी ये सीक्वेंस है ठीक है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम देती हूँ, और यहाँ पर जो है ना एक कंडीशन दे रखी है, S1 जो है पॉजिटिव है एंड AV जो है पॉजिटिव है ठीक है, ये हम दे रखा है। एंड नाउ मैं इसको है ना फर्स्ट नाम देती हूँ इक्वेशन को, इसी को। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट मैं इसको जस्ट है ना LCM ले लूँगी अंदर अंदर, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी बेसिकली इवेल्युएट करके, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा FN + 1 = FN का स्क्वायर प्लस में, जैसे इसका LCM ये है और LCM लेकर SN स्क्वायर हो जाएगा, और SN जो है इस तरफ चला जाएगा और 1/2 मतलब कि 2 इधर चला जाएगा, तो वही लिखना है ठीक है। ऑलराइट, तो इसको है ना बेसिकली मैं यहाँ पर इसको सिंपलर फॉर्म में ले आऊँगी थोड़ा, 2FN + 1 ठीक है प्लस में A = 0 ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरीके से, तो मैं इसके रूट्स निकालूंगी, तो SN के रूट निकालूंगी ठीक है। तो ये 2FN + 1 ये होता नहीं है B + -√D, D क्या मेरा 4FN + 1 का स्क्वायर प्लस माइनस में 4A upon 2A क्या मेरा 1, ये होता नहीं है α β = B + -√D/2A। आई होप आपको याद होगा जब ये रूट्स निकालते थे अल्फा बीटा ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया मैंने इस तरीके से। अब देखो SN जो है ना इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर की सीक्वेंस है, तो SN के जो होंगे ना ये जो रूट्स होंगे इज अ रियल वैल्यूज होंगी ठीक है, SN के रियल वैल्यूज होंगी। तो मतलब क्या है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना ये डी जो होता है, ये तो होता है डी हमारा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है विच इज 4FN + 1 का होल स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 4A, ये जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, जब रियल वैल्यूज चेंज होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए ना राइट, माइनस में तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है। तो इसी तरह अगर मैं इवेल्युएट करूँगी तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे FN + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 1 के, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, कॉमन भी ले लो तो इक्वल टू जाके 0 हो जाएगा वो भी, और इधर चला जाएगा वो इसका अंडर रूट बन जाएगा ठीक है। तो ये चीज इतनी आ गई, तो FN + 1 जो है ग्रेटर देन आगे √A, और इसको सेकंड मान लो ठीक है, इतना था। अब इसमें स्टेप 1 भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था मोनोटोन ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोनोटोन बता दूँ ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं SN में से ना माइनस कर रही हूँ FN + 1 को ठीक है। अब SN का मैं SN ही रखा, और FN + 1 की सीक्वेंस मुझे ऑलरेडी दे रखी है ठीक है, तो मैं इसको मैंने पूरी लिख दी सीक्वेंस यहाँ पर ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ½SN - A/2FN कुछ इस फॉर्म में आ रही है ठीक है। इन दोनों को मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया ठीक है, इक्वल टू तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से कॉमन ले लिया SN² - A/FN, तो ये हो गया ठीक है। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है कि मेरा जो SN + 1 वाली सीक्वेंस है ना वो ग्रेटर देन है A से, तो और हमारी S1 क्या थी पॉजिटिव नंबर ठीक है, और A भी पॉजिटिव था, जब A पॉजिटिव है उसका रूट भी तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव थोड़ी ना देगा। अब जब पॉजिटिव है और वो नंबर उससे बड़ा है, तो ये SN + 1 वाली मेरी सीक्वेंस ही पॉजिटिव होगी ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो अगर मैं इसके ब्रैकेट की बात करूँ इसके ऊपर वाले नंबर की, SN² - A, अब देखो मैंने अभी बताया कि A जो है एक पॉजिटिव नंबर है ठीक है, ये मुझे दे रखा है ना A मेरा एक पॉजिटिव नंबर है ये ठीक है। और SN की बात करें, देखो मुझे सिर्फ S1 की बात थी ये पॉजिटिव है, SN के बारे में नहीं पता था, पर देखो ना यहाँ से मेरा जो A पॉजिटिव है SN + 1 के लिए, तो बड़ी सीक्वेंस के लिए भी पॉजिटिव है, और ये सीक्वेंस 1 से लेकर N+1 तक जा रही है, तो M जो होगा SN वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पूरा मतलब कि ये पॉजिटिव हो गया ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर ये जो SN है ये स्क्वायर जो इधर चला जाएगा, इस ग्रेटर देन हो जाएगा √A से ठीक है। अब ये जो √A है वो किससे पॉजिटिव है, 0 से, तो इतना आ गया, और इसको मान लेंगे हम स्टार, इस इक्वेशन को स्टार मान लिया ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस थी इस वाले को मैं उठा रही हूँ ठीक है, SN - SN+1। अब देखो इस SN को मैंने A से पॉजिटिव बता दिया, और A एक पॉजिटिव नंबर था जो 0 से बड़ा।
मतलब क्या है कि Fn जो है वो भी पॉजिटिव आ गया और Fn प्लस वन वो भी ऐसे वाला था वो भी पॉजिटिव है, तो मतलब क्या दोनों का सब्ट्रैक्शन में मुझे एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या है जो Fn जो है ना वो ग्रेटर देन है Fn प्लस वन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जब Fn बड़ा है इस n प्लस वन वाले सीक्वेंस पे तो मेरी Fn सीक्वेंस कैसी है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुई, ठीक है, क्योंकि n प्लस वन वाले सीक्वेंस छोटी पड़ गई, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमें बाउंडेडनेस बतानी पड़ती है, ये बताना है बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है। अब Fn जो है ना ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और Fn जो है ये एक बाउंडेड अबव है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब डिक्रीज होके जा रही है तो कई बड़े नंबर से जा रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस की दिखती कैसे, दे दो 5, 4, 3, 2 ऐसे कोई पॉजिटिव नंबर 0 तक ही गई, तो मतलब क्या है कि कई पॉजिटिव मतलब एक नंबर से जा रही होगी ना जो एक बड़ा नंबर होगा तभी तो डिक्रीज हो रही होगी ये वैल्यूज, तो एक बड़े नंबर से तो स्टार्ट हो रही होगी जो बाकी उससे बड़ा होगा, तो ये Fn जो है ना बाउंडेड अबव है, तो उसका बाउंड जो है बाउंडेड अबव है वाई S1 से, तो मतलब क्या उसका जो पहला नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा नंबर S1 मतलब पॉजिटिव दे रहा है, S1 बड़ा होगा, तो मतलब क्या कि मेरी जो S1 और Fn वाली सीक्वेंस है वो कैसे कैसे किस फॉर्म की होगी, ये कुछ इस फॉर्म में बाउंड होगी कि इसका जो अपर वाला पार्ट है S1 से छोटा होगा, मतलब कि एस देखो ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है जो पहला नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर मेरा बाउंड भी तो वही हो जाएगा अपर बाउंड, ठीक है, तो S1 ही तो मेरा सबसे पहला वाला नंबर है तो ये बाउंड हो गया, और छोटा वाला नंबर क्या होगा, छोटा नंबर मेरा रूट ए होगा जो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आगे क्योंकि देखो ना यहाँ पे Fn की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, ये इससे छोटी है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले ली, ठीक है, इतना। एंड सेकेंड में हमने बोल रखा था सेकेंड इक्वेशन ये थी एन प्लस वन वाले भी ग्रेटर देन है रूट ए से, तो ये हमने बोल दिया यहाँ पे एन प्लस वन की बात करेंगे तो वो ग्रेटर देन है रूट ए से, ठीक है। देयरफॉर जो Fn वाली जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड बिलो होगी बाय रूट ए, देखो ना कि देखो Fn के लिए मैंने बताया कि रूट ए से बड़ी है क्योंकि मैंने इसे स्टार से बताया, ठीक है, यहाँ पे स्टार वैसे S1 की बात हो रही है, मैंने स्टार से बताया ये वाली और ये वाली सेकंड वाले से बताया, देखा जाए देखो n प्लस वन वाले में इससे छोटी है बड़ी है और ये n प्लस वन वाले इससे रूट ए से बड़ी है, ठीक है, तो मतलब क्या ये रूट ए कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा बाउंड है, तो ये लोअर बाउंड हमारा रूट ए हो गया। ऑल्सो ये जो n प्लस वन जो है Fn प्लस वन जो है ये ग्रेटर देन है रूट ए से और रूट ए एक पॉजिटिव नंबर है, तो जिसकी वजह से हमारा जो Fn जो है वो भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया। जीरो हम जीरो को ये जो जीरो नंबर है क्योंकि रूट ए किससे बड़ा है जीरो से, तो जीरो भी एक तरीके से हमारा लोअर बाउंड हो गया, ऑल्सो अ लोअर बाउंड, ठीक है, क्योंकि वो उससे भी छोटा हो गया, देयरफॉर कि जो हमारा Fn जो है वो एक बाउंडेड हो गया क्योंकि वो मुझे एक लोअर भी मिल गया और एक अपर बाउंड भी मिल गया, देयरफॉर जब ये बाउंडेड है तो मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस क्या कहती है, मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम कहती है अगर वो बाउंडेड है तो हमारी सीक्वेंस जो होगी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये वाला पार्ट कहना चाहती हूँ, ये वाला लुक एट देखो मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम कहती है मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो मतलब क्या है अगर वो बाउंडेड होगी तो हम उसको कन्वर्जेंट कह सकते हैं, तो मैंने बताया ना कि ये बाउंडेड है तो मैंने बोल दिया मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की वजह से हम इसको कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें मुझे लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, अब लिमिट कैसे निकालनी है, एक मिनट जैसे सेकेंड बाइट जिसमें लिमिट फाइंड करनी है ना, लिमिट फाइंड करनी है, तो तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3 हमें लिमिट फाइंड करनी होती है जब कन्वर्जेंट आ जाती है। अब इसमें टेल वाले लाएंगे कि ये जो टेल है लेट करेंगे Fn जो है ये वाई नहीं कुछ Fn जो है कन्वर्ज कर दिए और n प्लस वन जो है ना
ये है वन टेल ऑफ एस एन, और ये कन्वर्ज कर लिया, कन्वर्ज टू एस, किसी एस पे कन्वर्ज कर लिया, इसको लेट कर लिया, और ये इसकी टेल है, देयर फोर ये जो एन प्लस वन जो है वो भी इस कन्वर्ज टू उसकी एस पे ही कन्वर्ज करेगी। देयर फोर फर्स्ट इक्वेशन थी ना, अप्लाई